पीती थी गाय। अच्छा, तो मरने लगी थी। थोड़ा सा कैमरा कौन से है? भगवत गीता जो कि 800 किलो की है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आज हम आए हैं इस्कॉन टेंपल और नियरेस्ट स्टेशन है नेहरू प्लेस। हम आए हैं कालकाजी वाले में जो लोटस टेंपल के बिल्कुल पास में है। आपको एक चीज़ बतानी थी इस वाले इस्कॉन टेंपल की, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गीता की बुक है जो हम आपको आने वाले टाइम पर दिखाएंगे वीडियो में। तो हम अभी एक पार्क में हैं जो कि बहुत अच्छा सा पार्क है और यहाँ से हम 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ से हम इस्कॉन टेंपल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहना और आगे आपको दिखाते हैं हम सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं अकेला नहीं आया, यहाँ पे मेरे दो फ्रेंड्स मेरे साथ आए हैं और आपको पता ही होगा निखिल और मैं बनाते रहते हैं वीडियोस। तो इस्कॉन टेंपल की ये पार्किंग है, इस टाइप की पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है ये। इसमें मैक्स टू मैक्स 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ आ जाती होंगी। ये देखिए इस टाइप की कुछ पार्किंग है और हम अभी एंटर करने वाले हैं इस्कॉन टेंपल में। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर से, अंदर के अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल चीज़ें देखने के लिए वीडियो को आगे देखते रहना। गाइस पहले सैनिटाइज कर लेते हैं अपने हाथ को। अंदर से ऐसा है इस्कॉन टेंपल, बाकी हम अंदर देखेंगे वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे। बाकी अभी आरती हो रही है तो अभी एंटर हम करेंगे 5 या 10 मिनट के बाद। तो अभी मैं आपको एक बाहर का छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ कि किस टाइप का ये मंदिर है। बाकी बहुत अच्छा मंदिर है, साफ़ सफाई भी अच्छे से है, यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती हैं हमें इस्कॉन टेंपल के अंदर, जो कि हमारी सारी रिलीजन से रिलेटेड बुक्स होती हैं। और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचना अलाउड है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो इस टाइप का कुछ बाहर से व्यू है। आजकल जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, मोबाइल का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें, ये सारा भगवत गीता के नॉलेज के बेस पे गाइड किया जाता है। इसके अंदर जो हमारे स्पीकर्स होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं, IITians होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जिनका ऐसा बैकग्राउंड होता है, राइट इनके प्रेशर उनके पे होते हैं उनके माइंड में जी सर, तो उस तरीके से इसके अंदर कीर्तन होता है, उसके साथ साथ जो है लाइव वीडियोस वगैरह होता है, लेक्चर्स होते हैं, ड्रामा होता है, स्नैक्स होता है, तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ठीक है। उसकी टाइमिंग्स वगैरह मतलब क्या होती है सेमिनार की? इसकी टाइमिंग्स होती है शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक है, और डेली होता है खाली संडे? संडे ये संडे के लिए होता है, संडे संडे। डेली भी आना चाहते तो आप आ सकते हैं टेंपल। और इसकी एज लिमिट 15 से 35? 15 से 35। ठीक है, ठीक है। संडे को आएंगे पवन? आ जाएंगे। आपको यहाँ पे बुक्स दिखाता हूँ, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, भगवत गीता आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी रिलीजियस बुक हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता ज़्यादा है यहाँ पे। ये है रसराज श्री कृष्ण, ऑन द वे टू कृष्णा, ऑन द वे टू कृष्णा द पाथ ऑफ परफेक्शन। ये कुछ ऐसे यहाँ पे परिक्रमा होती है घूम के। मंदिर तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बट रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। हमारा जो फ़ोन का ट्राईपॉड था मेरा, वो रखवा लिया गार्ड भैया ने, कह रहे यार के मतलब ये अंदर नहीं ले जा सकते, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम फ़ोन से बना लेंगे। और बहुत रूड टाइप थे थोड़े गार्ड, बाकी ठीक है यार, कोई नहीं, उनके भी ड्यूटी होती है, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में हो जाती है उनके। तो इस टाइप का कुछ मंदिर है यहाँ पे। अंदर देखता हूँ मैं, अगर वीडियो बनाने देंगे अंदर तो मैं अंदर बना दूंगा वीडियो। बाकी इस टाइप का कुछ है ये। गाइस ये है एंट्री इस्कॉन टेम्पल की। ये देखिए आरती चल रही है यहाँ पे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
हम बाहर निकले हैं आरती वगैरह देख के, तो हम तो मतलब मैं और निखिल तो आज पहली बार ही आए हैं। मेरा फ्रेंड है राकेश, ये आता रहता है। क्या क्या हो गया भाई? तो ये ना शर्मा रहा है, यही लेके आया था, कहता कि यार चलते हैं। हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं और व्लॉग भी बना लेंगे। तो मंदिर तो काफ़ी अच्छा है, हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा पीस लग रहा है कि हाँ शांति है। एक बात बोलूँ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम आया हूँ इस्कॉन टेम्पल, मुझे बहुत ही पीसफुल जगह लगी है। मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था, बट यहाँ के बहुत ही मेरे को रिलैक्स मिला है, बहुत ही मतलब माइंड जो है इसमें बहुत सारा मतलब टेंशन फ्री हो गया है। बेसिकली टेंशन फ्री होना है इस्कॉन आ जाओ भाई। थैंक्स टू पवन फ्रेंड जो हमें यहाँ पे लेके आया है, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। टेंशन फ्री होना है इस्कॉन आ जाओ भाई, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे जो है प्रसाद मिलता था, बट अभी ये कोरोना के चलते बंद किया हुआ है। यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप ऑफिस है, यहाँ पे भक्ति वेदांत पुस्तक भंडार है, यहाँ पे आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्तियाँ भी हैं छोटी छोटी, और हरे कृष्णा गारमेंट्स हैं यहाँ पे, धोती कुर्ता वगैरह आपको सब मिल जाएगा। तो मेरा फ्रेंड बता रहा था यहाँ पे, तू बता रहा था ना एक स्टोरी, बता यार वो वाली यार, वो मिली नहीं उस पे गूगल पे कुछ थी, तो कुछ तो बता रहा था तू, शायद वो बच्चे खेल रहे थे और उनकी शायद बॉल चली गई थी, पता नहीं। मैंने तो टीवी अच्छा देखा है, वो तेरे को भी याद होगी वो वाली। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे यही सब कवर करने के लिए है। यहाँ पे तो मोस्टली ना भगवद गीता बहुत है, और भगवद गीता आपको बड़े वाली दिखाएंगे हम, बस आ गए हैं वहाँ पे भगवद गीता पे। कृष्ण जी कोई बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ पे, पता नहीं ऐसा कुछ बता रहा था, मेरे को कंफर्म नहीं है क्या है। इनसे भैया से पूछते हैं, भैया इसकी इनकी स्टोरी पता है आपको? ये जो देख रहे पानी है यमुना, हाँ हाँ, और ये कालिया के नाक पर नाच रहे हैं। अच्छा, तो ये किस वजह से चढ़े थे इनके ऊपर? कालिया जो रहता था वृंदावन में यमुना किनारे, इसने फेंकी है वही लेके आएगा। अच्छा, कृष्ण ने फेंकी है तो कृष्ण ही लेके आएगा, मगर सबको विश्वास था कृष्ण वापस आएगा। तो गाइज जिसका हमें वेट था वो मोमेंट आ चुका है, भगवद गीता जो कि 800 किलो की है, वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवद गीता है जिसके मैं सामने खड़ा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवद गीता है ये, आप देख सकते हैं। तो इसका आप पेजेस देख रहे हैं कितने बड़े हैं, ये देखिए नीचे से लेके ऊपर तक, आपको वीडियो में भी इतने ठीक से नहीं पता लग रहा होगा, बट सीरियसली दिस इज द ह्यूज भगवद गीता इन द वर्ल्ड। और ये देखिए कितनी बड़ी है, और इसका मैं आपको वेट बताता हूँ, 800 kg वेट है इस भगवद गीता का, जिसका मोदी जी ने खुद ही किया था उद्घाटन, ये देखिए। और इसको ना नीचे स्टैंड से इन्होंने खड़ा किया हुआ है, इसका सोच सकते हैं आप कितना वेट होगा उसका, कितना बड़ी है ये। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े स्टैंड से इसको लगाया हुआ है। तो अभी अंदर एक शो भी था, लेज़र शो भी था, जो हमें भैया ने कहा था कि आप देख सकते हैं, बट टाइम के वजह से हम नहीं जा पा रहे अंदर, बाकी हमने यहाँ से दिखा दिया है। लेज़र शो में तो क्या ही होता, कुछ नहीं होता, हमें टाइम थोड़ा सा नहीं है इसलिए हम नहीं जा रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर एक ये फाउंटेन है, एक ये वाला फाउंटेन है, और एक ये वाला फाउंटेन है। तो इसके मैं आपको सिनेमेटिक दिखाता हूँ, जब तक आप वो इन्जॉय करिए। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो इस टाइप का कुछ प्रसाद यहाँ पे मिलता है। हरे कृष्णा, इस टाइप का कुछ प्रसाद यहाँ पे मिलता है गाइस। है लास्ट क्लिप इस टेंपल की, अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, तो अब हम यहाँ हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, और लास्ट एक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।